साथ है भूमि और ये मेरी पुरानी रहने दो मुझे फिर उठा के ले आई हूँ मैं चोर टॉप भी हमें मारते हैं ना नीचे से Hey guys, welcome back to the channel and आज है 1st of April and आज से हमारे minor exam start है और आज मेरा paper है EVS का and मजे की बात है कि हमारा exam पता है कितनी late है मतलब अभी time हो रहा है पूरे 3 and 3:30 बजे मेरा paper है so ये right time में मुझे college के लिए निकल जाना चाहिए तो चलो चले आपको college में मिलते हैं तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने कॉलेज और आज है हमारा इकोनॉमिक्स माइनर का एग्जाम तो मेरे साथ है मुस्कान वन एंड ओनली मुस्कान हेलो तो मुस्कान कितनी तैयारी है पेपर की 30% शायद और बचा हुआ 70% कैसे कंप्लीट करना है वो ऊपर वाला जानता है क्या मतलब मैं नहीं जानती लेकिन मैं जानता हूँ हमने चिट्स मतलब अपने जूतों में छुपा लिए अपने इधर फोल्ड करके छुपा गौर से देखिए इससे ये हमारे देश का उज्जवल भविष्य है छुपा लिए मुस्कान एक्सपोज हो गई क्या मैंने तो नहीं रखी चीट उसने रखी है मैंने तो रखा है मैं इसको तो मेन मटेरियल वही है पेन लेके जाओ चाइना लेके जाओ चीट शुरू पुरजी का बिजनेस है जबकि बात अलग है कि 2 साल से हम वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इवन सिलेबस भी वही है जो 11th-12th में पढ़ा था मैंने तो नहीं पढ़ा लक्ष्मी भी चिट्स नहीं नहीं मैं नहीं चिट्स बनाती अब फिलहाल तो नहीं बनाती अब आगे का मैं क्या रिटेल बनाएगी A few moments later. सो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर था जो कि हमने दे दिया फाइनली और मुस्कान बताओ कैसा गया मेरा एग्जाम कुछ ऐसा गया है कि बहुत ही अच्छा गया है लोग सारी बातें थोड़ी बताते हैं प्यारी समझ गई फिंगर वाले भी देखते हैं सो हे गाइज अनदर डे एंड सेम मी एंड द सेम फ्रेंड्स और आज हम आए हैं बास्केटबॉल ग्राउंड में बास्केटबॉल खेलने नहीं हम अपना कंटेंट शूट करने आए क्योंकि हम यहाँ एक नए ब्लॉगर को ट्रेन कर रहे हैं सोनाली तो इनका चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि क्योंकि धीरे धीरे हम कॉलेज में सब ब्लॉगर्स बन रहे हैं और अभी ये बचे हुए हैं बस इधर दिखा तो हमारी इतनी अच्छी खासी रीच देख के सोनाली जी को भी ब्लॉगर बनने की इच्छा प्रकट हुई और ये भी चाहते हैं कि इन्हें भी पैसा आए है ना मतलब थूक लगा लगा के नोट गिने इन्हें भी तो सोनाली जब आप नई ब्लॉगर बनी गई हो तो आपके मन में क्या फीलिंग है मतलब आप आपको किससे इंस्पिरेशन मिली ये ब्लॉग्स बनाने की लक्ष्मी से इतनी अच्छी इंस्पिरेशन मिली है पता नहीं मेरा क्या हो जब गुरु ऐसा है नहीं नहीं आपका भी चाहे गुरु ऐसा है तो शिष्य कैसा होगा ओह नहीं नहीं अभी गाइस मुझे थोड़ा ट्रेन करो प्लीज क्योंकि मुझे एंजाइटी हो रही है मैं क्या बोलूं ये मेरे चैनल पे आएगा सब बेइज्जती करा लो बस कौन सोनाली गो फॉर इट अपने चैनल पे अच्छी वीडियोस डालेगी ये तुझे एक्सपोज करेगी बस स्टार्ट हो जा सोनाली डर के आगे पेप्सी है तुझे नहीं लगा था स्टार्ट करते हुए सबको लगता है क्या मतलब अब मुझे अपने लिए किसको लाना पड़ेगा हम ही कर देंगे हम दोनों हैं तो सही हम दोनों ये कर देंगे तो गाइस फाइनली काफी मशक्कत के बाद सोनाली जो है वो व्लॉग रिकॉर्ड कर रही है और अब मैं आपको रिकॉर्ड ना करे ये कर दी छोटे लोगों वाली बात नहीं होती आज मैं एमएम बोलती हूं कान आज कौन सा गेम खेल रही है पबजी आज मैं खेल रही हूं हेलो ये कैंडी क्रश और गाइस आज तो मौसम ने भी हमारा साथ दिया है मतलब नो मैटर यहाँ मार्च और इतनी गर्मी है लेकिन आज का मौसम आप देखोगे ना मतलब क्या इतनी सही हवा चल रही है कि हम आपको क्या ही बताएं एंड हमारे कॉलेज के ग्राउंड से ना बैक में आप देखोगे तो जम्मू यूनिवर्सिटी का व्यू आता है वो देखो आप देख पा रहे हो सीधा हम जम्मू यूनिवर्सिटी जा सकते हैं एंड हम अक्सर जो है जम्मू यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ की कैंटीन में खाना खाने अपने दोस्तों के साथ
तो मतलब जब हमने बोला ना कि मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है जब यूट्यूब पे वीडियोस आती है, तो उधर सुजान भाई को देखो, वो अपना बैंक बैलेंस देख के रोने लगे कि हमारा कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं गाइस, आप वेट करो, अगले हफ्ते आपको ये नया ब्लॉगर मिलेगा और उसके दो हफ्ते बाद आपको मुस्कान एक नई ब्लॉगर बन के मिलेगी। पास हो जाए ना ब्लॉग है। सुजान क्या हुआ आज, बड़ा शांत है? चलो अच्छा है, किसी को समझ नहीं आया। और गाइज ये है हमारे कॉलेज के ग्राउंड का एक एवरेज व्यू। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खचाखच भरे हुए होते हैं, एंड इवन क्लास से ज्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ तो मेरे को यहाँ ग्राउंड में लगती है। और इसके बाहर गार्डन है और उसमें तो बच्चे भरे होते हैं, मतलब इतनी भीड़ हमारी कॉलेज की क्लासेस में नहीं होगी जितनी भीड़ आपको यहाँ दिखती है। 2000 years later. तो गाइज फाइनली बहुत टाइम के बाद ईद का चांद वापस आया है और भूमि हमारे कॉलेज में वापस आई है। मतलब ये काफी लंबी छुट्टी पे थी, बताओ भूमि क्यों? क्योंकि मैं शादी में बिजी थी और भूमि से जुड़ी हुई थी, है ना, अब ये कॉलेज से जुड़ गई है। और क्या, अब मैं फाइनली कॉलेज आ गई हूँ पेपर देने के लिए। पेपर भी तो आ रहे हैं, तैयारी है पेपर की? फुल ऑन तैयारी। हमने अभी तो कॉपी भी नहीं खोली और नोट्स भी नहीं बनाए। नहीं यार, अभी नहीं कुछ भी किया, अब सीधे पेपरों में ही पढ़ेंगे। कहीं तो घर बैठ के पेपर की तैयारी तो नहीं कर रही थी? चुप नहीं, और हम व्यस्त थी। कैसी रही शादी फिर? अच्छी रही, ये देखो मेहंदी भी लगी अभी। हम वो वाले स्टूडेंट जो मतलब लास्ट के दिन पढ़ के पेपर देने जाते हैं। और क्या, है मतलब एक रात तो में पढ़ के अगले दिन पेपर देते हैं और फिर टॉप भी हम ही मारते हैं, है ना। और क्या, टॉपर हम। तो गाइस देखो ये मेरे टिफिन में क्या क्या है, मतलब सबके टिफिन उठा के ले आई हूँ मैं। One eternity later. आज का हमारा पहला पेपर 1st April है आज, और उसके बाद हमारा पेपर हो गया। इतना सही पेपर गया, मतलब एक घंटे का पेपर मैंने पूरे 20 मिनट में किया, इतना सही पेपर गया। एंड मेरे साथ अभी है मुस्कान, और इसी खुशी में हम खा रहे हैं आइसक्रीम। मेरा पेपर जो गया है ना, मुझे तो मतलब वो है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर मेरे टीचर्स पे भरोसा नहीं है, पता नहीं कैसे चेकिंग करेंगे। पर अब वो छोड़ो, देखते हैं गाड़ियाँ, कोई ना, वो छोड़ के तब तक नहीं आइसक्रीम एंजॉय करते हैं।